आप देश के सभी सन्यासियों से धर्म रक्षा के लिए क्या आग्रह करना चाहते हैं? सारी ना मतलब बातें सब वही हैं, ठीक है। अब सिख धर्म बनाना क्यों पड़ गया, जो आपने मतलब कुरीतियां बोली या मतलब जो मतलब अनडिसिप्लिन बोला हिंदू धर्म में, उनको मॉडिफाई करने के लिए मतलब उनको ठीक करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए ही सिख धर्म की स्थापना करनी पड़ी। अब सिख धर्म में भी देखो गुरबानी में भी लिखा है अवल अल्लाह नूर उपाया, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले को बंदे। इस सभी धर्मों को ले लिया ना साथ में, सभी धर्मों को ले लिया। अभी दरबार साहब हरिमंदर साहिब जी के मतलब चार दरवाजे हैं, चारों धर्मों के लिए हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी आए माथा टेके, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, किसी जात बिरादरी को मना नहीं है, सबको नीचे बिठा के एक समान लंगर खिलाएंगे। तो गुरुओं ने वो चीज को मतलब ले लिया, मतलब जो आप बात कर रहे हैं ना बात वही है, लेकिन वो गुरुओं ने उसको सिस्टम को क्या, जैसे आप अभी कोशिश करने वाले हो, उन्होंने कोशिश कर डाली, एक नई मतलब तरीका अपना दिया उन्होंने, एक नया धर्म चला दिया। उस धर्म में उन्होंने क्या बोला कि कोई भी आओ मैं आपको नया नया शेप नया रूप दे दूंगा। तब जाके उन्होंने बाद में दसवें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने महाराज जी ने बाद में उनको एक नया मतलब चिंग बना दिया कि उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी, एक नया रूप नया शेप दे दिया उनको। चीज वही है लेकिन वो गुरुओं ने मतलब वो करके दिखा दिया, जो भी बात सोच रहे हो ना आप उन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन आप क्या कह रहे हो कि हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर करनी है, सभी अपने अपने धर्म में पक्के रहो, लेकिन एक धर्म ऐसा चला दिया जिसमें वो उन्होंने सबको ऐड कर लिया कि सबको समान बना दी। अब दूसरी बात ये आ गई कि जात का गर्व न करिए कोई, ब्राह्मण देशो ब्राह्मण हो, यही बात खत्म कर दी ना बात उन्होंने गुरु ने फिर, कि जात का गर्व न करिए कोई, ब्राह्मण देशो ब्राह्मण हो। अगर ब्राह्मण का बेटा शाम को ठेके पे बैठ के दारू पीता है ना तो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण तभी वो कहलाएगा ना जब वेद कुरान अपने मतलब ग्रंथ पढ़ेगा, जब ग्रंथ ही नहीं पढ़ेगा वो बंदा शाम को ठेके पे चल के दारू पिएगा वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। जात का गर्व ना करिए कोई, ऊंची जात वाला बोले ना मैं अपनी जात का मतलब मैं ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मण तभी है अगर वो पाठ पूजा करेगा मंदिर जाएगा गलत रास्ते पे जाएगा वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्म बिंदे सो ब्राह्मण हो, जो परमात्मा को याद करेगा ना, जो परमात्मा को याद करेगा चाहे वो शूद्र भी कर ले, आपने आपने शूद्र की बात की है, शूद्र वो है जो परमात्मा को याद नहीं करता, जो परमात्मा को याद नहीं करेगा ना वो शूद्र है, उसकी नीच जात है जो परमात्मा को याद ही नहीं करता और गलत कामों में इन्वॉल्वमेंट है उसकी, गलत कामों में लिप्त है मतलब। तो गुरबानी में चीजें आ चुकी हैं ये सारी, बस उसको क्या है कि थोड़ा अपने दिमाग को खोल के हमें सभी धर्मों का सार लेना पड़ेगा, तब हम इकट्ठा हो जाएंगे सारे। इस संबंध में देखिए सभी सिख गुरुओं ने, अब देखो एक चीज और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, गुरुओं ने हिंदुओं की बात छोड़ो आप, उन्होंने क्या किया मुसलमानों की भी बात ले लेते हैं अभी, हालांकि मैं सिख हूं मैं, लेकिन फिर भी मैं सभी धर्मों को जोड़ने की बात करूंगा। कैसे कि श्री गुरु नानक देव जी का, श्री गुरु नानक देव जी के साथ उनके पक्के साथी थे भाई मर्दाना, 54 साल वो बंदा उनके साथ रहा, उनका पक्का साथी, ठीक है। जो भी गुरुओं ने मतलब अपने मुख से गुरबानी का उच्चारण किया वो सबसे पहले किसने सुना, भाई मर्दाना। वो भाई मर्दाना कौन था, एक मुसलमान था, मतलब एक मुसलमान को उन्होंने अपना पक्का हाड़ी बना लिया, दोस्त बना लिया, मतलब अपना पक्का साथी समझ रहे ना। तो उन्होंने धर्म मतलब जातपात ही खत्म कर दिया, जातपात छोड़ो उन्होंने धर्म ही खत्म कर दिए। उन्होंने अमृतसर में जो गुरुद्वारा गोल्डन टेंपल आपने सुना है, सचखंड श्री हरिमंदर साहब दरबार साहब, उसकी नींव साईं मियां मीर से रखवा दी, वो भी मुसलमान थे, सूफी फकीर थे वो, उन्होंने जातपात खत्म कर दी। एक मुसलमान को उन्होंने पूरा मतलब इज्जत मान देते हुए उससे नींव रखवाई है गुरुद्वारा साहिब की, ये चीजें हो चुकी हैं ऑलरेडी पहले से। ये है कि चलो जो हमारे बच्चे भटके हुए हैं चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, उनको मार्गदर्शन देना पड़ेगा और उनको धर्म के रास्ते पे लेके आना पड़ेगा। उनमें भी एक चीज और है,
जननी जने तो भक्त जन नहीं, जननी जने तो भक्त जन, जा दाता सा जा दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे को आवे नूर। माँ का दर्जा सबसे बड़ा है, माँ ने ही बच्चे को रास्ते पे लाना, धर्म के रास्ते पे चलाना। ये देखिए सन्यास चारों वर्णों से ऊपर है, क्योंकि सन्यास का अर्थ ही होता है कम एनम कर्मणाम संन्यास कभी भी तो कम कर्मों का प्रत्यागी सन्यास है। यदि सन्यासी राज से भटकता है तो विद्वान का ब्राह्मण का भी भटकना स्वाभाविक है, क्योंकि वो सबका पथ प्रदर्शक है। इसलिए और सन्यासी भी कहीं आकाश से नहीं आता, ये गृहस्थ से ही सन्यास निकलता है। जब सन्यास विकृत हो गया तो विद्वानों को ब्राह्मणों को नियंत्रित करने वाला कोई नहीं रहा, जब ये भटक गए तो सारा समाज भी भटक गया। इसलिए सन्यासी का पहला कर्तव्य यह होता है कि लोकेशा संसार में प्रतिष्ठा की इच्छा को छोड़े, ये सबसे बड़ी माया, सूक्ष्म माया। घर द्वार छोड़ना सरल है, लेकिन इस माया को कि लोगों में मेरी प्रतिष्ठा हो, ये सबसे बड़ी बाधा है। और अब जैसे मान लें कि टीवी पर कितने प्रवक्ता आते हैं, उनके लाखों अनुयायी हैं, जय जयकार होती है, लेकिन कोई सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ बोलने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता, वो सोचते हैं कि मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो सभी संन्यास का जो आश्रय लिए हुए हैं उनका कर्तव्य है कि सत्य और निष्पक्ष बात कहें, यदि उन पर कोई प्रहार भी करता है तो उसका बुरा मन वाणी कर्म से न सोचें न करें, लेकिन सबके कल्याण के लिए कहें, लेकिन सत्य कहें। हमेशा इस कथन को याद रखें, भर्तृहरि ने कहा कि अद्य एव मरणमस्तु युगान्तरया, मृत्यु आज ही हो लेकिन युगों के बाद चाहे कभी हो। लक्ष्मी समाविशत गच्छति वा यथेष्टम, लक्ष्मी आए या चली जाए लेकिन केवल सत्य बात कहें, चाहे सारा संसार भी विरोधी हो जाए तो अन्याय अधर्म का पक्ष न ले। यदि सभी सन्यासी सत्य बात कहने लगे निष्पक्ष हृदय से तो सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जो सन्यासी कहेगा सबको मानना पड़ेगा। यदि आज सारे चारों शंकराचार्य सत्य बात कहें अपनी अंतरात्मा की साक्षी से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई विकृति रहेगी, लेकिन मुझे नहीं विश्वास है कि सभी संप्रदायों के प्रमुख सत्य बात कहना चाहेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बधे हैं। अब जैसे अभी वर्ण की बात चल रही थी, मनुस्मृत में एक श्लोक आता है, शूद्रो ब्राह्मणतामित ब्राह्मणित शुद्धताम क्षत्रियात जात्यम एवत विद्यात वैसे तथा विचार। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के समान है तो उस वर्ण में किया जाए, शूद्र कुल में उत्पन्न होकर यदि उसका आचरण क्षत्रिय वैश्य या ब्राह्मण के समान है तो उसको ब्राह्मणत्व तो पाने का अधिकार है। जैसे मातंग ऋषि तप करके ब्राह्मण हो गए, विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए, ऐत्रेय ने ऋग्वेद की जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ऋषि ने लिखा, वो जो ब्राह्मण की संतान ये शूद्र की संतान थे। यदि शूद्र वैदिक काल में ब्राह्मण हो सकता है तो आज हम समान नहीं बैठाना चाहते, ये बहुत बड़ी भूल है, ये वेद शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन है। और मैं ये कहूँगा कि सिख पंथ बनाया ही गया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि हिंदू सीधा साधा होता था, गुरु गोविंद सिंह ने तलवार पकड़ाई क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता था, और दसों गुरु तो हमारे हिंदू ही रहे। और सिख शिष्य का अपभ्रंश है, शिष्य शब्द का अपभ्रंश शब्द सिख होता है, सिख समाज यानी हिंदू समाज की सेना। हर हिंदू अपने घर से एक बच्चे को सिख बनाता था ताकि वो तलवार पकड़े और धर्म की रक्षा करे। तो मैं ये समझता हूँ जब सबके अंदर से सत्य होगा कि हम सत्य बात को ग्रहण करें और तो कोई समस्या नहीं रहेगी कि सामाजिक वृत्ति शिक्षा जरूरी है। कहने का अर्थ ये है जी कि कथनी करनी जिन्न जहाँ है धर्म नहीं पाखंड हुआ है, तो हमें सत्य को व्यवहार में लाते हुए हमें परस्पर एक साथ आगे बढ़ना होगा, नई शुरुआत करनी पड़ेगी। जो हुआ उसको छोड़ो, अब हमें चलना पड़ेगा, मिल करके चलना पड़ेगा और हम सत्य के साथ चलें।